वो जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामनेश्वर के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। और देखें क्वेश्चन नंबर 4, आप अपनी बुक को खोलें और क्वेश्चन नंबर 4 देखें। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्किल। कोई सर्किल है और सर्किल का कोई डायामीटर PQ है, PQ के एंड पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। फर्स्ट टेंजेंट AB है एंड सेकेंड टेंजेंट इज CD। डायामीटर ऑफ द सर्किल आर पैरेलल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट हैं, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। तो अब जो है हम लोग नोट करेंगे और फिर इसके बाद प्रूफ करेंगे। लेट अस कंसीडर द सर्किल ऑफ सेंटर ए, सॉरी सेंटर ओ, या कह सकते हैं विथ सेंटर ओ एंड इट्स डायामीटर, इज पी क्यू एंड टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पी एंड क्यू और ए बी एंड सी डी। Then we want to show that, AB parallel to CD। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि कोई सर्किल जिसका सेंटर A है, इसका डायामीटर PQ है और P एंड Q पर टू टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। P पर टेंजेंट AB ड्रॉ किया गया है और Q पर टेंजेंट CD ड्रॉ किया गया है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये AB और CD दोनों जो होंगे ये पैरेलल होंगे। तो अब जो है हम यहाँ प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ, अब देखें OP जो है ये सर्किल का रेडियस है एंड यू नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट। टेंजेंट पर रेडियस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का हो जाएगा ये। अब अगर हम OQ को देखें तो OQ भी रेडियस है और ये CD भी टेंजेंट है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री। एंड यू नो दैट इफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, और वी कैन से दैट द एंगल सम ऑफ एंगल्स सेम साइड द लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दीज लाइंस आर पैरेलल। तो चलिए देखते हैं, इसको हम प्रूफ करते हैं। लिख देंगे OP परपेंडिकुलर टू AB। OP जो है AB पर परपेंडिकुलर है और इसका रीजन क्या है? रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां लिख सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस।
तो अब ये यहां से फिर ये हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिर सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। अब इसका रीजन भी वही है, ये ओ क्यू जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है, इसका भी रीजन वही है, द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर यहां हम लिख देंगे एंगल ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखें इन दोनों का हम सम कर दें तो ये हो जाएगा एंगल ओ पी बी प्लस एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। हेंस यहां फिर लिख सकते हैं एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम यही लिख देते हैं 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यू नो दैट, समझ लीजिए आप जरा, यू नो दैट सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री सेम साइड ऑफ द लाइन, देन दिस लाइन्स आर पैरेलल, हेंस वी कैन से दैट द लाइन ए बी एंड सी डी बोथ आर पैरेलल। लास्ट में लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, और यहां लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड। ये हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखें प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी टेंजेंट पर, किसी सर्कल के टेंजेंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यह परपेंडिकुलर सर्किल के सेंटर से होके पास करता है, इसको हम प्रूफ करती है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो अब हम जो है यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हम अप्लाई करेंगे और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर है यानी टेंजेंट एपी के पॉइंट पी पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह ओ से पास न करके ओ डैश से पास कर रहा है, इसको हम ओ डैश इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो लिख देंगे बाय कंट्रडिक्शन, बाय कंट्रडिक्शन we suppose that, we suppose that the perpendicular, the perpendicular at the point P of tangent of tangent AB passes through O dash, then angle O dash PB is equal to 90 degree according to question, जो perpendicular है perpendicular O dash से pass कर रहा है, तो अगर परपेंडिकुलर ओ डैश से पास कर रहा है तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट वी नो दैट ओ पी इज द रेडियस एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इट मींस एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स बोथ एंगल्स आर इक्वल। बट अकॉर्डिंग टू फिगर वी सी दैट एंगल ओ पी बी
इज ग्रेटर देन एंगल ओ डैश पी बी बट बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप देखें जरा कि ये कैसे हो सकता है कि 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी जब 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो ये ओ और ओ डैश जो होंगे वो सेम पॉइंट से पास करेंगे, एक ही पॉइंट से पास करेंगे. इट मीन्स वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द टेंजेंट ए बी एट द पॉइंट पी पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड आवर एजम्पशन आर फॉल्स. हमारा जो एजम्पशन था वो एजम्पशन फॉल्स है, तो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो बिल्कुल ट्रू है. तो इस प्रकार जो है ये कॉन्ट्रडक्शन मेथड से ये थ्योरम प्रूफ होता है. लिख देंगे हम यहाँ पर दैट प्रूव्ड. तो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. तो हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.